मेरे उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। पैसा है नहीं, 2,38,000 करोड़ का तो बजट है, 1,88,000 करोड़ की ये योजना है, प्रावधान किया गया है 250 करोड़ रुपए का। जी, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी और पहले साल में हमने घोषणा करी थी कि हम 25% बजट का हिस्सा शिक्षा में स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, तब लोगों ने यही पूछा था आपके पास पैसे कहाँ हैं। फिर हमने बोला कि बिजली को हम मुफ्त करेंगे, लोगों ने कहा पैसा कहाँ है। आज आपके ही आंकड़े में देख रहा हूं, जो आरबीआई का कुल कर्ज कितना है जीएसडीपी का, दिल्ली में 2% है। मेरे ख्याल से आंखें निकल आएंगी बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं के कि दिल्ली देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो सिंगल डिजिट में जिसका डेट टू जीएसडीपी रेशियो है। मतलब यह है कि अगर सरकार की नियत साफ है, ईमानदारी से अगर आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो और अच्छे से खर्च कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मुमकिन है। मुश्किल है, मैं नहीं कहता हूं कि आसान होगा, ये लेकिन चलिए अगर गरीबों के लिए कोई नई पहल की जा रही है तो पहले स्वागत करना चाहिए। नहीं नहीं, डेट टू जीडीपी जीएसडीपी रेशो आपने बताई और सही बताई है, पर दिल्ली के अपवाद नहीं है, बाकी माली हालत। ये पैसे कौन भरेगा अपनी आने वाली पुश्तों पर, हम कर्ज डालकर जाने वाले हैं क्या? देश तो हमारा है। नहीं बिल्कुल संदीप, इसलिए मैं कह रहा हूं दिल्ली का मॉडल आज देश के सभी राज्यों सभी आपने एक मॉडल है कि आपने शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च किया, स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा खर्च किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके, फिर भी आपने 2% का ही आपने कर्ज अपने ऊपर चढ़ाया। मतलब अगर आप ईमानदारी से सरकार का चलाओ, जो फालतू की स्कीमें हैं उसको बंद करो, और जहां पे लोगों को स्कीमों का फायदा हो रहा है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, अगर वहां पे खर्चे करो, अपने अबजपतियों के 15,00,000 करोड़ नहीं माफ करो तो जरूर आपके पास पैसा निकल आएगा। और मेरे ख्याल से नीतीश जी यही करना चाहेंगे, तो हम स्वागत करते हैं और आखिरी कॉमेंट चाहूंगा। मैं समझ गया आपकी बात शरद, आखिरी कॉमेंट, यहाँ एक दूसरे पर बस उंगलियां उठाई जाएंगी। अब सरकार का, केंद्र सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो देखो 81% है, यानी कि जितनी हमारी वक्त है उसका 81% तो हमने कर्ज लिया हुआ है, तो केंद्र पर भी वही लागू होता है, यानी कि बीजेपी पर, विपक्षी दलों पर भी, तो ये खेल कहाँ जाकर रुकेगा? मुझे नहीं लगता संदीप पे ये खेल रुकने वाला है, क्योंकि शेर के मुंह खून लग गया है। ये दिल मांगे वोट, बिल्कुल। आप अगर वोटर को देखिए, अगर आप कुछ भी फ्री देंगे और अगर वोट बटन दबाते टाइम उसके दिमाग में बिजली का बिल सामने आ गया उसके मन में, तो वो बटन दबा देगा। आप देखिए सीधी सी बात, उसके खाते में 2,000 रुपए, बिल्कुल उसको ख्याल आएगा, चुनाव से ठीक पहले तो वो 2,000 रुपए दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। और इसमें देखिए, एक हम लोग इकोनॉमिक्स में टर्म यूज करते हैं, आपने क्योंकि आखिरी कमेंट के लिए बोला है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर राज्य सरकार को, हर केंद्र सरकार को पहले उस फ्रीबी की, उस मेवे की, उस सेवा की, दोनों की बात कर रहा हूं, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वोटर को बतानी चाहिए कि आपको यह मिलेगा एक जेब में, पर दूसरी जेब में आपके जेब से ये आज 100 रुपए का अगर मान लीजिए ग्लास में खरीद रहा हूं, अगर और अगर 100% इन्फ्लेशन, अर्जेंटीना का मैंने एग्जांपल दिया, इसका मतलब अगले साल ये 200 रुपए का होगा। ये कौन बताएगा? यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की नहीं, वोट लेने की अपॉर्चुनिटी तलाशी जा रही है क्या? और ये अपने आप में बहुत ही अहम और गंभीर सवाल हो जाता है। वी आर अ वेलफेयर स्टेट, गरीबों का उत्थान हमारी जिम्मेदारी है, ये संविधान में भी निहित है, पर इसके साथ क्या खिलवाड़ भी हो रहा है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।